हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट की तिजोरी। सो आज का वीडियो होने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग। सो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए सो दैट कि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बनाने वाले हैं होममेड क्ले। अपने लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ होममेड क्ले एंड टेक्सचर पेस्ट की रेसिपी शेयर की थी और उससे हमने एक DIY कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइजर भी बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उसी से रिलेटेड ही कोई DIY बनाया जाए। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ एक वॉल आर्ट जिसे हम एज ए गार्डन डेकोर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बनाएंगे अगेन वॉल पुट्टी का डो होममेड क्ले, जिसके लिए हम वॉल पुट्टी यूज़ कर रहे हैं। उसमें हमने पानी को थोड़ा थोड़ा ऐड करके इस तरह की लम्जी कंसिस्टेंसी तक लाना है एंड देन उसे नीड करना है हाथों में ऑयल को अप्लाई करके और इस तरह का एक सॉफ्ट स्मूथ डो रेडी कर लेना है। दैट्स इट, ये हमारा होममेड क्ले हो जाता है रेडी। तो इससे हम बनाने वाले हैं आज एक गार्डन डेकोर वॉल आर्ट। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर अपना एक MDF का बेस लिया है और मैं आपको भी यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह के आर्टवर्क के लिए कोई स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी बेस का ही इस्तेमाल कीजिए। लाइक आप प्लाईवुड को भी यूज़ कर सकते हैं और MDF भी बेस्ट रहेगा। तो उस पर आप अपनी क्ले की हेल्प से बहुत ही इजीली सिंपल से पैटर्न बना सकते हैं, सिंपल से मोटिव्स बना सकते हैं। यहाँ मैंने भी बहुत ही सिंपल से मोटिव्स बनाए हैं। यहाँ मैंने ब्रांचेस की शेप में इस तरह से इसका फ्रेम बना लिया है एंड छोटे छोटे लीव्स, मशरूम्स, बटरफ्लाई, इस तरह के गार्डन रिलेटेड एलिमेंट्स को ऐड किया है और उसे अच्छे से हमने ड्राई हो जाने देना है। यहाँ पर आप इफ़ बिगनर हैं तो आपको बेसिक ही चीज़ें छोटी छोटी ही बनानी चाहिए सो दैट कि वो उतना ही नीट एंड क्लीन फिनिश में बने और बहुत ही ब्यूटीफुल सा उसका एक लुक निकल कर आए। एंड देन उसके बाद अगेन आता है कलरिंग पार्ट। दैट इज़ द मोस्ट फन पार्ट ऑफ एवरी DIY एंड आई थॉरली इन्जॉय ऑल द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग। सो इस तरह से आप भी पेंटिंग पार्ट को एन्जॉय करते हुए अपने DIY को कम्प्लीट कीजिए सो दैट कि आपको उसे बनाने की प्रोसेस में भी मज़ा आए और उसे कम्प्लीट होने के बाद आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी मिले। तो बातों के साथ साथ DIY पर भी चलते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट किया मैंने अपना कलरिंग पार्ट। यहाँ लाइट एंड डार्क शेड में यूज़ किया है ग्रीन कलर के सारे लीव्स पार्ट को मैंने कंप्लीट किया एंड देन यहाँ पर मशरूम्स में मैंने कलर किया है रेड एंड देन आफ्टर दैट मैंने यहाँ इसमें ग्रे कलर अप्लाई किया है और छोटी सी एक बटरफ्लाई मैंने यहाँ बनाई थी उसे भी मैं रेड एंड येलो के कॉम्बिनेशन में यहाँ पेंट कर रही हूँ। मिक्स मैच करके शेडिंग करके इसे कम्प्लीट कर लूँगी मैं एंड देन उसके बट मेक श्योर आपको ध्यान यहाँ पर ये देना है कि आप बैकग्राउंड में जो कलर चूज़ कर रहे हैं उसको आप लाइट कलर ही अप्लाई कीजिए सो दैट कि आपका जो भी आर्ट वर्क है उसके जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्ट होकर दिखाई दें और आपका आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफुल एंड कलरफुल दिखे। इस तरह से सारे डिटेलिंग पार्ट्स को मैं पेंट करके कंप्लीट कर लूँगी एंड दैट्स इट, हमारा DIY वॉल डेकोर हो जाता है रेडी। छोटे छोटे से एलिमेंट्स को, छोटी छोटी सी डिटेलिंग्स को अपने इस आर्टवर्क में आप ऐड करेंगे तो उससे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा लुक बनता है और छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड करने से हमारे आर्टवर्क की ब्यूटी भी एनहेंस होती है और उसमें एक छोटा सा पर्सनल टच भी आपका ऐड हो जाता है। लाइक मैंने ये छोटे छोटे से बर्ग्स यहाँ पर बनाए हैं और इसी तरह से आप और भी बहुत सारे एलिमेंट्स बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप की आप लीव्स बना सकते हैं, बटरफ्लाइज बना सकते हैं और बहुत सारे जो भी आप चाहें उसमें एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो दैट्स इट, आर ब्यूटिफुल क्ले आर्ट से बना हुआ DIY गार्डन डेकोर वॉल आर्ट इज कम्प्लीटेड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड क्राफ्ट की तिजोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर देंगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिलता रहेगा। तो इस तरह से बना सकते हैं आप भी खूबसूरत सा वॉल आर्ट।
तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इंटरेस्टिंग DIY के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।